पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने फास्ट समाचार संवाददाता सचिन राजभट्ट से चर्चा करते हुए बताया कि पिछोर विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट संवाददाता सचिन राजभट्ट के साथ। और मैं हूं सचिन राजभट्ट, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। कल 17 तारीख को मतदान होने जा रहा है, जिसको लेकर पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा जी से बात करते हैं किस तरह से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कैसे संपन्न किया जाएगा, आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीओपी प्रशांत शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फास्ट समाचार में। सर, कल 17 तारीख को मतदान होने वाला है, एक बड़ा पर्व है, और किस तरह से ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस संपन्न कराएगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने बताया, बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछोर विधानसभा 26 में कुल 297 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारा पुलिसकर्मी मौजूद रहेगा। जो क्रिटिकल और वल्नरेबल श्रेणी के मतदान केंद्र हैं, वहाँ हमने सशस्त्र बल तैनात किया हुआ है। जो सामान्य श्रेणी के मतदान केंद्र हैं, वहाँ हमारे पुलिस वाले रहेंगे और बिल्कुल सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मैं सभी पिछोर की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करें। कोई भी बाहरी तत्व अब यहाँ है नहीं, सबको कल 5 बजे के बाद यहाँ से भगा दिया गया है और पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइल लगातार घूम रही है। जितने भी गुंडे बदमाश हैं उन पर जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। जो भी लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति थे उन पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा चुकी है और लगातार हमारी पुलिस व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। और हमारा ये संकल्प है कि ये मतदान शांति से और निष्पक्षता से संपूर्ण हो सके। सर, ये जैसे जितने क्रिटिकल जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, तो उस पर क्या कुछ व्यवस्था अलग से पुलिस ने की है? जो क्रिटिकल और संवेदनशील की जो मैंने श्रेणी आपको बताई है, वहाँ हमने सशस्त्र बल तैनात किया हुआ है और CAPF भी हमें मिली हुई है। तो हमने हर मतदान केंद्र पर हाफ CAPF, लगभग 4 BSF के जवान मतदान केंद्रों पर रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम देंगे। तो यहाँ SDOP प्रशांत शर्मा जी ने बताया कि इस बार मतदान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होगा, यह उनका लक्ष्य है। इस तरह से मैं सचिन राजभट्ट, फास्ट समाचार के लिए, कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ।